हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। वृत्तांत लेखन बालिका दिवस समारोह। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। लगभग 2.5 महीने के बाद मैं अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। टॉपिक है वृत्तांत लेखन बालिका दिवस समारोह। प्रश्न कुछ इस तरह से, दयानंद विद्यालय माटुंगा में मनाए गए बालिका दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? वृत्तांत में स्थल, काल व घटना का वर्णन अनिवार्य है। 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाना है। अब लिखते समय बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। लिखते समय प्रश्न आपको नहीं लिखना होता है, सीधा उत्तर से आप शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ऊपर बीचों बीच लेफ्ट और राइट दोनों जगह जगह छूटी हो वहाँ पे जो कार्यक्रम समारोह मनाया जा रहा है उसका नाम, जैसे प्रश्न आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा बालिका दिवस समारोह, वही हम लिख देंगे बालिका दिवस समारोह। इसे लिखने के बाद आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए, पेन से अंडरलाइन कीजिए, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। ठीक इसी के नीचे यहाँ पे समारोह का नाम लिखने के बाद ठीक इसी के नीचे आप लिखेंगे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। इसका तात्पर्य यह होता है, इसका मतलब यह होता है कि जिस विद्यालय में, जिस जगह पर यह कार्यक्रम समारोह आयोजित किया गया, वहाँ के ऑफिस के, कार्यालय के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा जो समाचार दिया गया, जो खबर दी गई है उसको आप लिख रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब पहले पैराग्राफ की शुरुआत करें तो सबसे पहले दिनांक से शुरुआत करनी चाहिए। आप सभी को पता होगा बालिका दिवस हमारे देश में 3 जनवरी को मनाया जाता है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे पैराग्राफ बना के। दिनांक 3 जनवरी 2021 को, इसके बाद समय लिख दीजिए, सुबह चाहे दोपहर लिखिए, 8 बजे अब जहां पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है तो यहां प्रश्न से आपको मिलेगा तो वह लिख दीजिए दयानंद विद्यालय माटुंगा में। अब आप सभी को पता होगा कि बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, तो वह लिखना होगा आपको। दयानंद विद्यालय माटुंगा में देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन किस रूप में मनाया गया वह लिखिए, किस रूप में मनाया गया प्रश्न में मिलेगा, बालिका दिवस के रूप में, फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया, अर्थात जोर शोर से।
अब चूंकि महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम है, अगर इसकी जो अतिथि हैं वो महिला होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मुख्याध्यापिका श्रीमती श्रीमती आशा मिश्रा जी थी। अब अतिथि जी का स्वागत तो हमेशा मुख्याध्यापक करेंगे, और कौन सी वस्तु भेंट देकर उनका स्वागत किए उसका जिक्र उसका वर्णन होना अनिवार्य है। विद्यालय की मुख्याध्यापिका श्रीमती निशा सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर अतिथि जी का स्वागत किया। कार्यक्रम जिस रूप में घटता है ध्यान रखिए उसी रूप में लिखना होता है, जो घटना पहले घटी उसी रूप में। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि 3 जनवरी को हुआ तो 3 जनवरी को ही आप कैसे लिख रहे हैं। वह पुराना समय था जब हम लिखते थे कि पहले यहाँ पे अलग से लिखा जाता दिनांक, जैसे 3 को हुआ तो दिनांक 4 जनवरी 2021, उसके बाद स्थान माटुंगा, फिर लिखते थे कि कल दिनांक 3 जनवरी को। वो पुराना तरीका पुराना पैटर्न था, यह नया पैटर्न है, नया तरीका है, तो इस तरह से लिखना होता है। यह पहला पैराग्राफ आपका पूरा हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं जिसमें कार्यक्रम का वर्णन हम करेंगे जो कि मुख्य भाग होता है। पैराग्राफ के नीचे से ही पैराग्राफ की शुरुआत होनी चाहिए, यहां से। अब सबसे पहले कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? बालिका दिवस समारोह का आयोजन आयोजन विद्यालय के सभागृह में, जिसे आप हॉल कहते हैं, वहां पे सभागृह में किया गया था। अब इसमें कौन कौन सम्मिलित हुआ कार्यक्रम में उसका जिक्र उसका वर्णन अपेक्षित होता है। विद्यालय के सभी शिक्षिकाएं, तथा सभी छात्राएं इस समारोह में सम्मिलित हुई। अब जो जो सम्मिलित हुआ उसका आपने जिक्र कर दिया। अब यहाँ पे कक्षा 8वीं से 10वीं तक की छात्राएं भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं।
सम्मिलित हुई। अब कार्यक्रम का श्री गणेश कैसे हुआ? कार्यक्रम का श्री गणेश विद्या की देवी देवी माँ सरस्वती की वंदना से हुई, वंदना से हुआ। इसके बाद जो कार्यक्रम है, जिसके ऊपर यह कार्यक्रम आधारित है, उसकी प्रतिमा पर माल्यार्पण होना है और दीप प्रज्वलन होता है। अतिथि जी ने प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा के समक्ष, प्रतिमा अर्थात तस्वीर के समक्ष समक्ष सामने दीप प्रज्वलित किया। तथा विद्यालय की मुख्याध्यापिका ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यह फॉर्मेलिटी स्टार्टिंग में, शुरुआत में की जाती है, आपने भी कार्यक्रम देखे होंगे। उसके बाद अब कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। विद्यालय की कुछ छात्राएं महान नारियों के नारियों की वेशभूषा पहने हुए थी उन्होंने अपने भाषणों, गीतों तथा कविताओं के माध्यम से नारी महिमा का वर्णन किया। आगे इसमें अब बच्चों के कार्यक्रम हो गए संक्षेप में। इसके बाद जो अतिथि जी हैं उनका परिचय, विद्यालय की अध्यक्ष। अब आप बोले सर अध्यक्ष भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन
थोड़ा सा प्रभाव डालने के लिए सभी महिलाओं को ही यहाँ रेखांकित किया जाए तो वह ज़्यादा अच्छा लगेगा। अध्यक्षा श्रीमती सरोज वर्मा ने कार्यक्रम की अतिथि अतिथि जी का संक्षिप्त परिचय दिया। संक्षिप्त परिचय दिया। अब इसके बाद आगे जो अतिथि जी हैं, मुख्य अध्यापिका जी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा उसका वर्णन। अतिथि महोदया ने नारियों के योगदान योगदान तथा सावित्रीबाई फुले फुले के संघर्ष पर प्रकाश डाला। मुख्याध्यापिका जी ने सभी को बालिका दिवस की शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं दी। अब यहां पे एक लाइन और जोड़ दीजिए कि कार्यक्रम का संचालन किसने किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षिका विद्यालय की शिक्षिका उनका नाम हम लोग यहाँ लिखेंगे, उनका जो भी नाम हम सोच सकते हैं लिख सकते हैं, काल्पनिक नाम, श्रीमती माधुरी जायसवार जी ने किया। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पैराग्राफ समाप्त होता है। अब अंतिम पैराग्राफ, पैराग्राफ के नीचे से पैराग्राफ, यहाँ पे धन्यवाद जैसी चीजें होंगी, हम धन्यवाद देंगे जो जो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका, वरिष्ठ अर्थात सीनियर शिक्षिका श्रीमती श्रीमती ललिता डोलस ने सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट
प्रकट किया, प्रकट किया। दोपहर, अब समापन की बात होगी, इसके ऊपर एक मार्क होता है, ध्यान रखिए, अच्छा समापन नहीं हो पाया तो आपके अंक कट जाते हैं। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ, राष्ट्रगान व घोष वाक्य, घोष वाक्य अर्थात नारे, घोष वाक्य के साथ दयानंद विद्यालय, दयानंद विद्यालय माटुंगा में, माटुंगा में बालिका दिवस समारोह संपन्न हुआ। इस तरह से लिखने पर निश्चित तौर पर आपको 5 out of 5 marks भी मिल सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप आराम से लिख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। आशा करूंगा कि मेरा यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा, आपका प्यार मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का प्रेम हमेशा बना रहे। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।